ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे खेती के बारे में, उतना ही आने वाले समय में आपको फायदा होगा सही निर्णय लेने में। तो चैनल के वीडियोस भी जरूर देखते रहिएगा। हमारा पूरा चैनल किसान भाइयों के उन्नति और उनके आय को बढ़ाने के लिए समर्पित है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम और एक मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम जो है एग्री सेंट्रल के बारे में बात किए, उसमें करीब 39 फसलों के बारे में जानकारियाँ दी गई है। और आज जिस ऐप के बारे में हम बात करेंगे, ये ऐप जो है कृषि फाई नाम से आता है। तो इस ऐप की खासियत क्या है और मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो किसान भाइयों, जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके मोबाइल में कम से कम ये दो ऐप होना बहुत ज़रूरी है, एक कृषि फाई और एक एग्री सेंट्रल। तो इन दोनों ऐपों से उनका 70 से 80% जो है प्रश्न है उनका समाधान हो जाएगा। वो किस तरह से होगा मैं आगे आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, छोटा सा वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और हमारा जो भी वीडियो आता है इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, उनके समय का बचत हो और सही जानकारी उनको मिले। वैसे इस ऐप को भी प्रमोशन करने के लिए या फिर इसके बारे में जानकारी देने के लिए किसी से किसी प्रकार की पेमेंट हम नहीं ले रहे हैं, और सिर्फ किसान भाइयों के भले के लिए और उनको सही जानकारी देने के लिए यह भी वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं, जो ये जो एप्लीकेशन है कृषि भाई, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कैसे करना है इसको मैं आगे बताऊंगा, और अभी इसको देख लेते हैं। इसका जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे जाते हो, ऊपर में जो दिया है उसके बाद में आपको फसलों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए सभी फसल यहाँ पर आ चुके हैं। ये करीब 100 फसल हैं, मैं इसको गिना था, 99 प्रकार की फसलों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। तो ये कुल फसलों के बारे में है। यहाँ पर आपके जो है फलों के बारे में, दालों के बारे में, तिलहनी फसलों के बारे में, सब्जियों के बारे में सारी जानकारियाँ हैं। तो इसमें जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आप अपने लिए फसल चयन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सामने बटन दिया है फॉलो करें। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर जो आपकी फसलें, मैं किन चार फसलों का अभी फॉलो किया हुआ हूँ। देखिए टमाटर, तरबूज, बैंगन और मिर्च। तो फिलहाल ये चार फसलें अभी हम चला रहे हैं, तो इसी को हम डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इसमें से आप भी अपने हिसाब से फसल का चयन कर सकते हैं। आगे ऑप्शन में जैसे अनाज के बारे में करेंगे तो सारे अनाज वर्ग के फसल आ जाएंगे, चारा में चारा वाली फसलें, और फिर तिलहनी, फिर दलहनी, फिर नगदी फसलें। इस तरह से भारत में जितने भी प्रकार के फसल उगाए जाते हैं सारी फसलों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर फूलों के बारे में दिया गया है, फलों के बारे में दिया गया है, मसालों के बारे में दिया गया है और सब्जियों के बारे में भी दिया गया है। अब इसकी खासियत क्या है, हम इसको एक बार आगे देख लेते हैं कि इसमें सीजन बताया गया है कि कोई भी फसल कब उगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम टमाटर ले लेते हैं, ठीक है, तो टमाटर जैसे कब उगानी है, तो कई किसान भाइयों को, अभी जो नए किसान भाई हैं उनको पता नहीं है कि सीजन क्या होता है टमाटर उगाने की या फिर दूसरे फसल उगाने की। तो वो गलत समय पे बिजाई कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, फायदा उनको नहीं होता है, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, खरीफ में टमाटर आप 10 जून से 31 जुलाई के बीच में बो सकते हैं, 60 से 80 दिनों में आपका उत्पादन शुरू हो जाता है। रबी में जो है आप 1 नवम्बर से 20 दिसंबर के बीच, और जायद में जो है 1 फरवरी से 31 अप्रैल के बीच आप जो है ये टमाटर की बुआई कर सकते हैं, बिजाई रोपाई कर सकते हैं। इस ऐप में आगे सारी चीजें और दी गई है, मिट्टी की तैयारी और नर्सरी कैसे तैयार करना है। और इसमें जो है एक और खासियत दी गई है, अच्छे किस्मों के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हिम सोहना बताया गया है, सिजेंटा कंपनी का अच्छा किस्म, उसके बारे में इसके डिटेल बताई गई है क्या खासियत है इसमें, और सिजेंटा कंपनी का अभिनव के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से कुछ अच्छे किस्मों के बारे में डिटेल दिया गया है, यह भी जो है किसान भाइयों को फायदा करेगी। और जैसे भी कोई किस्म आप चयन करते हैं तो उसका आप YouTube में वीडियो देख सकते हैं, दूसरे किसान भाई उसके बारे में क्या कह रहे हैं, और बीजों की मात्रा प्रति एकड़ कितना बीज जरूरत पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 70 से 80 ग्राम बीजों की आवश्यकता होगी, यह जानकारी भी मिल जाती है किसान भाइयों को। क्योंकि व्हाट्सएप पे, हमारे व्हाट्सएप पे और जो है यूट्यूब चैनल पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ही कॉमन जैसे क्वेश्चन होते हैं कि कितना बीज लगेगा, कब हम उसको बिजाई करें या रोपाई करें, सीजन कब
कई बार पूछी जाती है, तो हमें लगा कि यह एप्लीकेशन जो है किसान भाइयों के लिए बेसिक जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं उर्वरक प्रबंधन के लिए बताया गया है, और 20 से 25 दिनों के बाद कौन सी खाद डालनी है, बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद क्या करना है, तो ये सारे अच्छे से इसका फंडामेंटल क्लियर किया गया है इस एप्लीकेशन में। तो यह जो है किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो किसान भाई अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं खेती करना, तो उनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा और सारी चीज़ें आप उतने अच्छे से वीडियो में नहीं पाओगे जितना कि आप इससे एप्लीकेशन में देख के समझ सकोगे। देखिए यहाँ पर करेले का हमने चयन किया है, तो करेले का जो बिजाई के बारे में दिया हुआ है 10 जून से 31 जुलाई के बीच में, और दूसरा जो है जायद में आप करोगे तो 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच में आप कर सकते हो, और सारी जो है बेसिक जानकारी यहाँ पर अच्छे से दी गई है। जो वैरायटीज हैं अच्छी किस्म के उसके बारे में बताया गया है। तो किसान भाई आप लोग इस ऐप को एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें बहुत फायदा होगा आप लोगों को। और जो है मैं अपने इस्तेमाल के लिए, खुद फसल की प्लानिंग करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मुझे होता है। तो आप लोग जो है ये दोनों ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके बारे में और भी अच्छे से इस ऐप में देखिएगा कि कहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई है। फिलहाल जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, और अभी के समय में सभी किसान भाइयों को मोबाइल चलाना आता है, तो अच्छे से वो लोग समझ जाएंगे क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे करेले के बारे में हम लोग पूरी जानकारी देखें, बगल में फसल सुरक्षा के बारे में दिया है, तो हर चीज़ के फसल सुरक्षा में भी दिया गया है कि फल मक्खी का नियंत्रण कैसे करना है, माहू का नियंत्रण कैसे करना है, इसके लिए कौन सी कीटनाशक सही रहता है छिड़काव करना, सारी चीज़ें अच्छे से हिंदी में यहाँ पर समझाई गई है। तो ये खासियत है इस मोबाइल ऐप का, और खरीद बिक्री की भी सुविधा यहाँ पर है, जो किसान भाई जो है पशुओं की खरीद बिक्री करना चाहते हैं वो भी अपना पोस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर आती रहती है। तो किसान भाई जैसे ही आप एक बार फसल आप के बारे में जानकारी हो जाएगा, फिर आप अपने अनुसार किसी भी मौसम में कोई भी फसल आप उगाने के लिए सक्षम हो जाओगे, लेकिन शुरुआती स्तर पर आपको इन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करना होगा, जो कि एक किताब की तरह काम करेगा आपके लिए, बेसिक जानकारी आपको उपलब्ध कराने के लिए। तो किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, इसी प्रकार ये आजकल ये खेती के बारे में जो है ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर देखते हैं इसका डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर गए प्ले स्टोर में, जाते ही हमको यहाँ पर कृषि फाई ऐप जैसे ही सर्च करोगे तो पहले नंबर पे ही आ जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डाउनलोड करीबन 1 मिलियन डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे, ये पहले से मेरे में इंस्टॉल था तो ये आ चुका है, नहीं तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता। तो इस तरह से आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये आपको, ये एप्लीकेशन इंटरफेस आपको इस तरह से दिखेगा, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी डायरेक्ट आप जो है क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे खेती के बारे में, उतना ही आने वाले समय में आपको फायदा होगा सही निर्णय लेने में। और हमारे चैनल पर समय समय पर वीडियोस आते रहेंगे जिसमें कि आपको अपडेट्स देती रहेंगी, वैसी दवाइयों के बारे में बताई जाएंगी जो कि इन ऐप्स में उपलब्ध नहीं है और जो हमारे अनुभव पर आधारित होंगी। तो चैनल के वीडियोस भी जरूर देखते रहिएगा, हमारा पूरा चैनल किसान भाइयों के उन्नति और उनके आय को बढ़ाने के लिए समर्पित है। मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।